अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 9:30 बज रहे हैं और बस मैंने अभी फली छीलनी है क्योंकि मुझे बनाना है खाना जल्दी। तो मैं बैठी थी इधर, लेकिन अब जा चुकी है लाइट तो उधर हो गया है अंधेरा, तो फिर मैं अब इधर बैठ गई हूँ। और बस अभी 9:30 ही बजे हैं, नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि पोहा बनाने का मन था लेकिन हरी मिर्ची नहीं है, तो फिर अभी सुबह सुबह कोई लेने नहीं जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो देखते हैं नाश्ता क्या करते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं। जैसे कि आपको पता है आलिया का बर्थडे है कल, तो बस फाइनली आज जो हुआ है डिसाइड, तो आज हम करेंगे शॉपिंग। तो क्या क्या शॉपिंग करते हैं वो आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने खाने वगैरह से फ्री हो जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि जितना जल्दी मैं घर के कामों से फ्री होंगी खाने वगैरह से, उतनी जल्दी मैं अपने मार्केट के काम निपटा सकूँगी, क्योंकि मेरे पास आज का ही दिन है। आज ही मुझे सारी शॉपिंग करनी है जो जो मुझे लाना है। और इस बार जो है ना बेटू का बर्थडे जो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, और इंशाल्लाह हमारे बेटू का बर्थडे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ कि बेटू का बर्थडे कैसे मनाते हैं हम इस बार। चलिए, हर माँ बाप अपने बच्चों के बर्थडे या कोई भी खुशियाँ हो तो वो कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कर सके, तो बस यही हमारी छोटी सी कोशिश है हम दोनों हस्बैंड वाइफ की कि हम अपने बच्ची के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। तो बस फलियाँ मैंने छीलनी है, लहसुन छिला हुआ रखा है, मैंने छीला था पहले तो उसी में से बचा कर रख दिया था, बस आलू है नहीं है, तो बस वही बोला ना कि किसको भेजूँ सुबह सुबह, कोई सब्जी वाला भी नहीं निकल रहा है, मैं इतनी देर से देख रही हूँ कोई निकले तो मैं ले लूँ, लेकिन नहीं है कोई, तो चलिए नहीं है तो ऐसे ही काम चलाते हैं। तो खाली फली बनाऊंगी, और दही मैंने जमाया है, पहले भी जमाया था और कल भी मैंने जमा दिया, तो दूध रखा हुआ था तो 2 दिन का दही, दही तो बहुत सारा है, तो लेकिन जो कल जमाया था उसी का मैं रायता बना लूँगी क्योंकि बूंदी रखी हुई है, तो बस ये एक सब्जी हो जाएगी, रायता हो जाएगा और रोटी बस, और फिर फटाफट से खाना खा के जाएंगे। तो चलिए अभी बात हो गई बहुत सारी, तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो चलिए पहले करते हैं गैस साफ क्योंकि गैस है गंदी, तो पहले गैस को साफ कर लेते हैं और फिर खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस अभी गैस हुई है बिल्कुल क्लीन और अब हम बनाते हैं खाना, ठीक है। तो अभी मैं करती हूँ इसको बंद क्योंकि अभी मुझे मसाला पीसना है, तो मसाला क्योंकि लाइट है नहीं है तो इन्वर्टर से पीसूंगी। तो बस अभी हमारी बननी है चाय, क्योंकि अभी अभी सामान लेकर आए हैं, क्योंकि अगर चाय भी बनाती तो फिर टोस्ट वगैरह नहीं थे या कुछ भी ब्रेड नहीं थी, तो बस ये सारा सामान लेकर आए हैं, तो ये लेकर आए हैं ब्रेड गोल वाली जो पाव बड़ी रहती है ना वो लेकर आए हैं, इसमें से थोड़ी सी काटती है क्योंकि नया ने ले ली है, और एक ये पपड़ी का पैकेट और 2 इसके ब्रेड के पैकेट, और साथ में जो मैंने बोला था ना प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस ये हरी मिर्च धनिया प्याज आलू और इसमें लाए हैं क्रीम रोल, और ये है कटहल जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं साथ में कटहल भी बनाऊंगी। तो फली में अब मैं आलू डालूंगी, खाली ऐसे ही बना दूंगी और कटहल बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी, तो ये मेरा खाना रहेगा। लेकिन उससे पहले चाय पी लेते हैं, तो पपड़ी तो हम नहीं खाएंगे लेकिन हम ब्रेड खाएंगे, पपड़ी कल खा लेंगे। तो पपड़ी को मैं रख देती हूँ यहाँ, और दूध अभी गर्म नहीं हो सकता क्योंकि भगोनी धुली हुई नहीं है, तो अभी चाय उबल जाए। और आजकल जो हमें ना ताज महल वाली चाय, ताज चाय होती है ना,
वो वाली यूज करें, इससे ना इतनी टेस्टी चाय बनती है ना, बहुत ज्यादा, और रंग भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है और चाय भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस अभी चाय में उबाल आ जाए तो चाय पीते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो बस यहाँ पे रख दिया मैंने ऑयल गर्म करने, और ये है कटहल जो मैंने काट लिया है, और इसको काटना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, तो लेकिन काटना है, अगर खाना है तो मेहनत करना पड़ती है। तो बस इसको काट के रख लिया है, बस इसको फ्राई करूँगी। और ये दही मैंने कल जमाया था रात में, तो बहुत अच्छे से जम गया है, और बस अभी इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, रायता बनाऊँगी और कटहल की सब्जी बनाऊँगी। तो ये हमारा आज का लंच रहेगा। और दूध आ गया, दूध गर्म करने रख दिया है, और बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो ये देख लीजिए कलर चेंज हो गया है, और ये मैंने मसाला पीस लिया है, और ये साबुत गर्म मसाले जिसमें ये बघारा जाएगा। और ये मैंने पानी गर्म करने रख दिया है बूंदी के लिए। तो बस यहाँ पे ये मसाला भून के अच्छे से इसमें डाल दिया था, अब ये गलेगा। और रायता मैंने बना लिया है, आटा गूंद रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लाल गुण अब आजा। ये देख लीजिए हमारे बेटू, आज आज सबकी को बताऊंगा, आज मेरे बर्थडे के, कल भी है, आज नहीं है कल है, कल भी, आज भी तो है। अच्छा आज भी बर्थडे गर्ल बनेंगे। ये देखो इन्हें छोटी खोल ली है, दिखा रही है आज और कल बर्थडे के। तो आज ये देख लीजिए हमारी आलिया का लुक, और आज बड़ी मसल्लक प्यारी लग रही है बेटू इस लुक में। उसने ये पफ वाली अपनी चोटी कराई है, और ये वाले टॉप और ये लेगी पहनी है उसने। तो ये आज की ड्रेस है। तो फाइनली अब हम लोग जो है ना जा पा रहे हैं मार्केट। वैसे मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से अपना खाना वगैरह काम निपटा लूं और मैं 2:30 या 3 बजे तक निकल जाऊं, लेकिन इनको आ गया था कोई काम तो ये चले गए थे, और अब जाके ही आए हैं। तो थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बोला थोड़ा आराम कर लो फिर चलते हैं, क्योंकि अब यूँ आए हैं और फौरन फिर बीवियाँ लेके चलने हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लो फिर चलते हैं। तो पता नहीं काम का कब अचानक से पड़ जाए कोई काम। तो बस अभी ये घड़ी तो हमारी जो है ना बार बार ख़राब हो जाती है, गलत चलने लगती है। अभी बज गए हैं 5, तो अभी देखते हैं काम तो हमें सारे करने जो हमने सोचा है। वो धूप आ रही है ना, तो काम हमने सोचे हैं तो वो हमें अभी करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टाइम तो है नहीं है कि हमारे पास कल का टाइम या 1-2 दिन का टाइम है, नहीं है, क्योंकि कल ही सब, मतलब आज ही सब कुछ करना है, और वो सिर्फ कल बर्थडे है। तो आलिया का इंशाल्लाह अच्छे से ही हम सेलिब्रेट करेंगे जैसा उसने सोचा है ना। तो बेटू ने भी बता दिया है हमें, मम्मी ये लेके आना है, वो लेके आना है, ये करना है, वो करना है, मम्मी वो करना है। तो हमने कहा हाँ हाँ सब कुछ करेंगे। तो बस जितना मुमकिन हो सकेगा उतना अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने का सोचता है। और आज का जो हमारा लंच था बहुत ज़्यादा लजीज था, मतलब जो है ना मैंने कटहल की सब्जी बनाई थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, स्वादिष्ट, क्योंकि कटहल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सीजन का पहला कटहल हमारे यहाँ बना था तो अच्छा लगा। तो चले चलो। तो अभी सबसे पहले आ गए हम पहला फर्स्ट काम करने के लिए, तो यहाँ पर हम आए हैं। तो आप लोग जगह तो पहचान गए होंगे वैसे देखकर, जिस पर भी हम कुछ टाइम पहले आए थे। तो हम आए बदैया कुंड पर, तो यहाँ हम पूछना है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि इस बार देखो होटल वगैरह में भी तो होती रहती है बर्थडे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कभी मतलब खुली एरिया में बर्थडे किया जाए। तो वही मैंने इनसे बात की थी कि क्यों ना अपन इस जगह मतलब करें, क्योंकि यहाँ भी कुछ लोग प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं, और अभी भी जो है ना टेंट वगैरह लग रहा है, क्योंकि कल कुछ है मीटिंग वगैरह है, कोई आने वाले हैं यहाँ पे, तो कुछ कुछ लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने देखे थे, तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं यहाँ पर इस बार आलिया में बोल, इतना कुछ अलग होगा इस बार, हटके कुछ हो जाएगा थोड़ा, अपनी बार खुले में। में तो बहुत हो गया। हाँ, तो और खुद से भी बहुत बार कर लिया सब कुछ। तो बस अभी जो है ना हम लोगों ने पूछ तो लिया है कि यहाँ पर मतलब कोई रोक टोक तो नहीं है, तो अकेले कोई ऐसी बात नहीं, ज्यादा लोग होते तो होता है, लेकिन हम लोग कोई ज्यादा है नहीं है, तो इसलिए भैया ने बोला कि नहीं बर्थडे पार्टी हो जाती है कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। हाँ आप कम ही लोग हैं वैसे भी, नहीं ज्यादा लोग होते तो परमिशन लेना पड़ती है। हाँ फिर परमिशन लेना पड़ती है ज्यादा, हम तो कोई 100-200 लोग हाँ तो परमिशन लेना पड़ती है, बड़ा कर रहे हो कुछ, क्योंकि हम लोग तो थोड़े थे, तो भैया ने बोला कर सकते हो कहीं भी कर लो आप, जब जहाँ पर आपका मन चाहे जिस एरिया में चाहे उस जगह कर सकते हैं।
तो हमने एक एरिया चूज कर लिया है। अब भैया ने जो है ना डेकोरेशन के लिए, मैं बोले नहीं डेकोरेशन वगैरह करने आएंगे तो दिक्कत होगी, हम लोग करेंगे तो इसलिए आने वाले हैं। इन्हें बोला है कि अपन डेकोरेशन करवा लेते हैं किसी से। बढ़िया डेकोरेशन कर देंगे बोल रहे हैं। और देखो तो अभी आने वाले हैं तो उनसे बात करते हैं। तो भैया ने फोन नंबर दे दिया था तो उनसे बात हो गई है, तो उसको अभी यहाँ पे आने वाले हैं तो आके बता देंगे किस तरीके से करना है, और मैं भी बता दूंगी कि मुझे किस तरीके का चाहिए। तो चलिए फाइनली इस बार आलिया का बर्थडे यहाँ होगा, कुछ अलग हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। फिर और भी हमारे बाकी काम है वो हम करेंगे, तो अभी यहाँ पे आके ना हमारा मन करने लगा कि हम कुछ खा लें। तो यहाँ देख लीजिए क्या आया है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ कस्टम बैठी थी फैमिली, तो उन्होंने मटर पुलाव मंगाया था, तो मेरा मन देख कर गया कि मैं भी मटर पुलाव खा लूँ, क्योंकि मैंने खाना जो है ना थोड़ा कम खाया था। तो और फिर शाम भी हो गई अब तो अच्छी खासी, तो भूख लगने लगी छोटी वाली, तो एक ही प्लेट मंगाई है तो इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और बच्चों ने तो सिर्फ आइसक्रीम ली है, इनाया ने स्प्राइट पिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पिए, और गुस्सा होकर बैठ गई क्योंकि वो फैला रही थी ना, तो मैंने डांट दिया उसको। तो चलिए ये खा लेते हैं जल्दी से, जब तक वो भैया भी आ जाएंगे तो फिर उनसे बात करके फिर हमें जाना है मार्केट बहुत सारे काम करने के लिए। इनके वजह से हम लेट हुए, ये लेट आए थे, इनको काम लग जाते हैं, कभी पता नहीं चलता कब टाइम मिलता है, जब भी तो निकलना हो पाता है। चलिए जल्दी से एंजॉय करते हैं अपना मटर पुलाव, यम्मी सा, देखो देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो बस बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी झूलना है झूलना है, क्योंकि सामने ही झूला है, और अगर बच्चे पार्क वगैरह में या कहीं पर भी जाए और उन्हें झूला दिख जाए तो उन्हें तो झूलना रहता है। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा झूला देते हैं जब तक भैया आ रहे हैं, जब तक उनका वेट कर रहे हैं हम लोग। तो बस बच्चे यहाँ झूल रहे हैं, और बारिश हुई थी ना तो इस वजह से थोड़ा सा पानी है गीला है। और बस भैया से बात करने के बाद सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी, फिर उसके बाद हम लोग आ गए मार्केट। तो आलिया को चाहिए था ये वाला कुशन, वैसे सीक्वेंस वाला जो रखा है ना ये मांग रही थी, लेकिन इसमें उसको पिंक कलर चाहिए था, लेकिन वो नहीं था क्योंकि हमें कल चाहिए ना इसलिए। तो फिर ये लाइट वाला एलईडी वाला बताया है भैया ने, तो बस वो हमने सिलेक्ट कर लिया था और उसको दे दिया था हमने प्रिंट करने के लिए। तो उन्होंने भैया ने बोला था कि 8:30 बजे तक ले लेना, क्योंकि कल संडे है दूसरे दिन तो वो दुकान जो है ना बंद रहती है इसलिए। तो फिर जब तक भैया वो करेंगे जब तक हम लोग आ गए ड्रेस लेने, क्योंकि अब बर्थडे है तो बच्चों के लिए ड्रेस तो पहले चाहिए, और हमने कुछ भी शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, तो बस अभी हमें सारे काम करने हैं गिफ्ट ड्रेस उनकी। तो यहाँ पर हम आए हैं ड्रेस लेने के लिए, और बर्थडे वगैरह होता है ना तो बच्चों पे जो है ना फ्रॉक वगैरह ही अच्छी लगती है, वैसे कोई भी ड्रेस ले लो, लेकिन बर्थडे पे जो है ना ड्रेस में फ्रॉक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैंने फ्रॉक मांगी है, तो भैया दिखा रहे हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है मुझे कुछ खास नहीं लग रही थी इस वाली शॉप पर। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने देखा था यहाँ ट्राई करके देख लेते हैं कैसी ड्रेसें हैं। तो यहाँ पे फ्रॉकें दिखाई उन्होंने, फिर उसमें बाद में ये ड्रेस दिखाई, तो लेकिन ये बर्थडे के हिसाब से जम नहीं रही थी। वैसे तो अच्छी ड्रेस लग रही थी, अलग थी कुछ, ऐसी आली नाय पे है भी नहीं, लेकिन मुझे बर्थडे के हिसाब से चाहिए था। तो ये वैसे मैं ले जाऊँगी बाद में, लेकिन मैंने इनमें से ड्रेस मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। फिर हम उन्हीं पर आ गए जिन पे से हम ड्रेस लेते हैं, किंग वाले पे, तो यहीं से हम आली नाय की ड्रेस ले जाते हैं। तो भैया ने जो है ना ड्रेस दिखाई है, तो जो आज ये सीक्वेंस वर्क की चल रही है अभी इस टाइम पर वो ड्रेस दिखाई है, उसमें ही काफ़ी पैटर्न है, उन पे अलग अलग तरीके की ड्रेसें हैं, जैसे कि ये है और एक ये दिखाई थी, ये अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी गर्मियों के हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा था बच्चे को जो है ना गर्मी ना लगे। तो यहाँ पे हम लोग ड्रेस सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी लें, और बस इन्हीं में से हमने एक ड्रेस ली है, और जैसी इनाया आलिया के लिए ली फिर उसे वैसी हमने इनाया के लिए ले ली, क्योंकि मतलब अगर मिल गई तो, वैसे तो अलग अलग लेते हैं क्योंकि अब देखो बर्थडे वाले ही एक का है, लेकिन हम कपड़े गिफ्ट दोनों के लिए लेते हैं। तो बस वहाँ से हमने बच्चों के लिए ड्रेस ले ली। अब यहाँ पर हम आ गए दूसरी शॉप पर, यहाँ से मैं कपड़े ले रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ से फ्रॉक तो ले ली इन्हें, अब क्यों ले रही है, तो ये हम लोग बांटने के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ से जो है ना हम कुछ कपड़े लेंगे जो हम बच्चों को बांटेंगे। तो वैसे हर बार हम ये चीज़ें शेयर नहीं करते थे जब भी हम कुछ करते थे तो, लेकिन काफ़ी सारे कॉमेंट आते थे कि आप बर्थडे में इतने पैसे खर्च करते थे, थोड़े बहुत आप मतलब निकाल दिया करें सदका वगैरह, और पैसे गरीबों की मदद कर दिया करें। तो देखो हर चीज़ शेयर करने की नहीं होती, तो हर बार हम शेयर नहीं करते थे, लेकिन इस बार क्योंकि
कमेंट के रिप्लाई देने में और उनको दिखाने में कुछ अलग होता है, तो हमने रिप्लाई दिए हैं काफ़ी बार, लेकिन फिर भी बोलने वाले बोलते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस बार ये चीज़ भी हम शेयर करेंगे। लेकिन इसमें ये कमेंट मत करना कि आप शो कर रही हो, तो ये शो नहीं है, उन कमेंट करने वालों के लिए जवाब है सिर्फ। वहाँ से हमने कपड़े ले लिए जो भी हमें बांटने थे, जितने हमारे हो सकता है उतने, और फिर वहाँ से हम आने के बाद केक कर रहे हैं ऑर्डर, और ये केक हमने लिया है रात के लिए, तो अभी हम 12 बजने के बाद जो है ना केक काटेंगे। तो ये हमने एक छोटा सा केक ले लिया है और दूसरे दिन के लिए भी हमने केक जो है ना ऑर्डर कर दिया है। तो बस हमारा काम जो था ना वो पूरा कर लिया है हमने, बस बच्चों के लिए थोड़ी बस टॉफी वगैरह और लेनी है, वो ले लेंगे। इन्नू खिला अप्पी को, खिल लो चम्मच अप्पी को खिला दो, खिला दो आज से। ये अच्छा अब खिला दो चाची, खिला ये थोड़ा सा लगाना बेटा, थोड़ा सा, हाँ बस ये अब बेटू मैं लगा दे तो आलिया ने सबको केक खिला दिया है और साथ ही साथ में उनने थोड़ा सा जो है ना चेहरे पर भी लगाया है, तो बस थोड़ी थोड़ी सी वो क्रीम ले रही थी और सबके चेहरे पर लगा रही थी, बच्चा आया अब उसको अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने कहा ठीक है थोड़ी थोड़ी सी लगा रही है, मतलब पूरा केक ख़राब नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ये कॉमेंट मत करना कि केक की बर्बादी करा, तो उसने थोड़ी थोड़ी सी क्रीम ली है सिर्फ उसकी खुशी के लिए, उसको अच्छा लग रहा था इसलिए। और बस यहाँ पे आलिया ने आयोग को खिला दिया है और ये हमारा बर्थडे बन गया है, आलिया का प्री बर्थडे। तो अब कल का जो प्रोग्राम रहेगा वो मैं दूसरे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि फिर भी अगर मैं पूरा वीडियो देती हूँ ना यहाँ से बर्थडे तक तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया है। तो कल का सुबह से लेकर शाम तक का वीडियो आपको कल मिलेगा, कल हमारा क्या क्या प्रोग्राम रहा, क्या क्या हमने किया, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और आगे का आप लोग देख लीजिए कि हमने आलिया का बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट किया और बांटने के लिए हम लोग ने क्या क्या किया, क्योंकि अभी तो मैंने इस वीडियो में कुछ भी आप लोग साथ शेयर नहीं किया कि हमने और भी कपड़ों के अलावा क्या सामान लिया है। तो यहाँ देख लीजिए कैंडल जला रहे हैं, लाइट ऑफ कर दी है, और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।